मसले पर प्रदेश सरकार और उनके मंत्री केंद्र सरकार पर दोहरी चरित्र अपनाने का आरोप लगाते हुए आर्थिक नाकेबंदी करने का चेतावनी दी है। आरोप प्रत्यारोप के बीच राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर केंद्र ने धान नहीं खरीदा तो कोयला देना बंद कर देंगे। इसके पहले पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी की बात कही थी। मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार होने के कारण केंद्र का समर्थन नहीं मिल रहा है और धान खरीदी से इनकार कर रही है। जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी तो नियम को परिवर्तन किया गया था, तो अब क्यों नहीं की जा सकती। केंद्र सरकार का यह फैसला दुर्भावना वश लिया गया है। इसके विरोध में प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सड़क मार्ग से सब प्रदर्शन करते हुए जाएंगे। इस मसले पर केंद्र सरकार ने साफ साफ धान खरीदने से मना कर दिया है। अब देखना ये होगा कि दोनों पक्ष जो सड़क में आने की बात करें, कांग्रेस और बीजेपी सड़क से सदन तक की प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस पर किस तरह का फैसला लिया जाएगी। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्या राजपूत।